नमस्कार। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम आए थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे फैक्टराइज करते हैं ये हमने देखा था, और हमने कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स भी देखे थे उसके ऊपर बेस्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब देखिए फैक्टराइजेशन में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे तब आए थे, उसके पहले हमने आइडेंटिटीज देखी थी। आइडेंटिटीज में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और लास्ट में हमने देखा था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर टाइप की टर्म है, क्योंकि इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बीच की टर्म या तो माइनस 2ab होना चाहिए या फिर प्लस 2ab होना चाहिए। तो हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं ये a का स्क्वायर, इसको स्क्वायर को, और लास्ट वाली टर्म है 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। हम बीच वाली टर्म को चेक करके देखें कि ये 2ab वाले फॉर्म में है या नहीं। तो 2 इंटू a की जगह तो यहाँ पे हमारे पास a ही है और b की जगह 4 है, तो ये 4 इंटू a इंटू 2 दिस इज 8a, मतलब ये 2ab टाइप की टर्म है। तो जब कोई एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्म में हो तो वो a प्लस b होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो a प्लस b की जगह क्या है, 4 है, और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और जब इसको स्क्वायर लिखा, लेकिन हमें तो फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको फैक्टर फॉर्म में a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहां पे तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन सेकंड के अंदर, हाँ जी, इसको भी, क्योंकि ये 25 वापस से ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये p का स्क्वायर है, मतलब इसमें भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, है ना। तो यहां पे सेकंड वाले में p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 10p और प्लस 25। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ये p का स्क्वायर और लास्ट टर्म ये 5 का स्क्वायर है 25। अब हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके देख लें, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह हमारे पास में p है और b की जगह हमारे पास में 5 है। तो 5 इंटू p इंटू 2 दिस इज माइनस 10p, मतलब ये 2ab वाले फॉर्म में है और 2ab भी नेगेटिव है, माइनस। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है a माइनस b होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज p माइनस 5 का होल स्क्वायर, लेकिन इसको हमको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। सो दिस कैन बी रिटन एज p माइनस 5 इंटू p माइनस 5।
ठीक है, तो ये हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। ओके चलिए थर्ड देखें। थर्ड वाले में इसके अंदर सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को, ये 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका मतलब ये 7y का स्क्वायर हो सकता है, और ये इसको भी हम 36 मतलब 6z का स्क्वायर ये हो सकता है। तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखें 49y स्क्वायर प्लस 84yz एंड प्लस 36z स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7y का स्क्वायर। लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 6z का स्क्वायर, मतलब ये a की जगह 7y हो गया, b की जगह 6z हो गया। अब बीच वाली टर्म प्लस 2ab टाइप की है या नहीं है, हम पहले ये वेरीफाई कर लें। तो प्लस 2 इंटू ए की जगह 7y इंटू बी की जगह 6z। अब इसको हम देख लें, तो 6 इंटू 2 दिस इज 12, 12 इन 7 टाइम्स दिस इज 84, तो 84yz मीन दिस टर्म इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2ab. So this is in the form of a square plus 2ab plus b square, means this is a plus b whole square, means 7y and plus 6z iska whole square, right? Or hum agar isko factorized form mein likhenge, to this can be written as 7y plus 6z into 7y प्लस 6z का स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर्स होगा, ठीक है। चलिए आगे आगे ये वाली टर्म मींस फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 121b² देन माइनस 88bc then plus 16c². सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को चेक करें। तो फर्स्ट टर्म 121, ये 11 इंटू 11 होता है, 11 का स्क्वायर मतलब 11b का स्क्वायर, और लास्ट टर्म ये 4c का स्क्वायर है। बीच में ये माइनस दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये टर्म माइनस 2ab टाइप की है। तो इसको चेक करने के लिए माइनस 2 इंटू ए की जगह 11b इंटू बी की जगह 4c। अब इसको हम चेक करके देख लें, तो 11 इंटू 4 दिस इज 44, 44 इंटू 2 दिस इज 88, ये बी और ये सी, मतलब ये टर्म माइनस 2ab वाले फॉर्म में है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, मीन्स 11b माइनस 4c का स्क्वायर। और फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। तो ये फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखिए। फिफ्थ वाले में यहाँ पे l प्लस m स्क्वायर और माइनस 4lm, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म में भी नहीं है,
हमको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट. सो दिस इज एल प्लस एम इसका स्क्वायर और माइनस फोर एल एम. इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस टू एल एम एंड प्लस एम स्क्वायर और माइनस फोर एल एम भी है यहां पे. सो दिस इज इक्वल टू ये एल स्क्वायर और ये प्लस एम स्क्वायर और ये टू एल एम प्लस टू एल एम और माइनस टू फोर एल एम मीन्स दिस विल बिकम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस नो नॉट प्लस दिस विल बी ये माइनस फोर एल एम है और ये प्लस टू एल एम है तो ये हो जाएगा माइनस टू एल एम. फोर में से टू गए तो ये माइनस टू एल एम. अब देखिए ये एल स्क्वायर माइनस टू एल एम प्लस एम स्क्वायर मतलब ये होता है एल माइनस एम का स्क्वायर और इसके फैक्ट इसको अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है तो एल माइनस एम इन टू एल माइनस एम ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे देखें. तो अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म के थे, है ना, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी या सेकंड आइडेंटिटी. अब हम आते हैं थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो वहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो यहाँ देखें इसमें पहला है फोर पी स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर. ये फर्स्ट पार्ट. फोर पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टू पी का स्क्वायर और नाइन क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं थ्री क्यू का स्क्वायर. ठीक है, लेकिन अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मतलब टू पी प्लस थ्री क्यू इंटू टू पी माइनस थ्री क्यू. ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए इस फर्स्ट वाले पार्ट के. देन कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में यहां पे 63 ए स्क्वायर और माइनस 112 बी स्क्वायर. अब अगर इसमें देखें क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, अब 63 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है. तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सीधे स्क्वायर करके लिख लिया था ऐसा हम नहीं कर सकते. लेकिन जब ऐसा नहीं कर सकते तो हम पहले देख चुके हैं कि जो कॉमन कुछ आ रहा हो तो उसको उस फैक्टर को अलग निकाल लो. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन दोनों के अंदर तो यहाँ पे 7 देन दिस विल बिकम 9 ए स्क्वायर अगर 7 कॉमन लेते हैं और इसमें भी अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो
7 कैन बी टेकन कॉमन। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन लेंगे तो 9 इंटू 7 63 होता है, तो यहाँ पे 9 ए स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 1 टाइम गया फिर 42 बचेगा, तो 6 टाइम्स और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो यहाँ पे 7 हो गया, लेकिन 7 ये हो गया फैक्टर को, इसको अब हम 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस इसको 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स द फैक्टर्स विल बिकम 7 इंटू, पहला फैक्टर होगा 3a प्लस 4b और दूसरा फैक्टर होगा 3a माइनस 4b, तो ये 3 फैक्टर्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट वन, थर्ड वन, इसमें 16 एक्स टू दी पावर 5 और माइनस 144 एक्स क्यूब। अब देखिए x टू दी पावर 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, एक्स क्यूब ये भी किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक्स क्यूब तो हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं और 16 ऑफ कोर्स ये 4 का स्क्वायर होता है और 144 ये भी 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 4 और इधर 12, इन दोनों में से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं और या फिर 16 खुद कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहली चीज 16 कॉमन आ सकता है और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्यूब है, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर और इसको अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, क्योंकि एक्स क्यूब तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, 16 नाइन आर दिस आर 144, तो अब इसको दिस इज इक्वल टू 16 एक्स क्यूब और इसको लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर और माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी 16 एक्स क्यूब इंटू, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये इसके 4 फैक्टर्स हो गए, 16 है, एक्स क्यूब है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 है। ठीक है, चलिए आगे देखें, ये तो फोर्थ, इसमें एल प्लस एम स्क्वायर, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि एल प्लस एम का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एल माइनस एम का स्क्वायर कर दो, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और सिंप्लीफाई होके फैक्टर आ जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, ये पूरा ए और ये पूरा अगर बी है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ये हो गया ए प्लस बी। अब ए माइनस बी तो एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस एम और प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्लस एल दिस इज टू एल, और इनटू यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो ये माइनस एल और प्लस एल ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ऑफ माइनस मतलब ये हो गया प्लस एम और ये प्लस एम, तो एम प्लस एम इज टू एम, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 2l इंटू 2m, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे देखें फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें फिफ्थ पार्ट में 25 a स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी एंड माइनस 49 सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ये 5a का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है, लेकिन ये ab की टर्म नहीं, ये bc की टर्म है, इसका मतलब इसको इसके साथ तो हम कंबाइंड नहीं कर सकते, इसको कंबाइन करना पड़ेगा इनके साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, ये इसको लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस दिया हुआ है, तो हम माइनस साइन कॉमन ले लें। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये साइन, ऑल द साइन इन साइड द ब्रैकेट विल चेंज, ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगी पॉजिटिव 4b स्क्वायर, और ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी 28bc, और ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगी प्लस 49c स्क्वायर। देन दिस इज इक्वल टू 5a का स्क्वायर है और माइनस, अब ये देखिए ये इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं प्लस 7c का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, मतलब ये माइनस 2ab टाइप की टर्म होनी चाहिए। हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये माइनस 2ab टाइप की टर्म है या नहीं, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह 2b और b की जगह 7c, और इसको चेक करके देखें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, तो ये 28bc, ये देखिए 28bc आ गया, मींस दिस इज इक्वल टू 5a इट्स स्क्वायर माइनस, अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह है 2b और माइनस 7c और इसका स्क्वायर है। अब देखिए ये उस फॉर्म के अंदर आ गया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, so this can be written as this is equal to a plus b means 5a plus 2b minus 7c into a minus b मतलब 5a minus 2b minus 7c, so this will be equal to,
अब ये वाले ब्रैकेट अंदर वाले खोल दें तो ये 5a प्लस 2b माइनस 7c इनटू, इसको भी खोल दें तो 5a, जब इसको खोलेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, लेकिन माइनस इनटू माइनस ये प्लस 4c हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लेट अस कम टू नेक्स्ट फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब यहां पे हम इनको फैक्टराइज करें तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब इनमें हमको टर्म्स जमा करके और फिर उसमें से फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि कुछ कॉमन फैक्टर कॉमन आ जाए। तो यहाँ से अगर हम एम स्क्वायर कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा a और यहाँ से बचेगा प्लस b, और इन दोनों में प्लस एन स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा b और यहाँ से a, या b प्लस a लिखो या a प्लस b, एक ही चीज़ है। अब ये a प्लस b दोनों में कॉमन है, सो a प्लस b वी विल टेक कॉमन, यहाँ से बचेगा m स्क्वायर और प्लस यहाँ से बने बचेगा n स्क्वायर। तो ये फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के। ओके, देन कम टू दिस सेकेंड पार्ट, 5y स्क्वायर माइनस 20y एंड माइनस 8z एंड प्लस 2yz। अब यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा ये देखना है कि क्या चीज़ कॉमन ली जाए कि कुछ ना कुछ फैक्टर आपस में कॉमन निकल आए। तो यहाँ पे अब देखिए, इधर y स्क्वायर की टर्म है, इधर y की है, इधर z की है और इधर yz है। तो या तो हम इसमें और इसमें y कॉमन ले सकते हैं और या फिर इसमें और इसमें y कॉमन ले सकते हैं। हम पहले इनको रीअरेंज करें, 5y² और प्लस 2yz इसको एक साथ में लिख लें और फिर ये दोनों टर्म्स मींस माइनस 20y एंड माइनस 8z, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे इन दोनों के अंदर y कॉमन आ सकता है, तो इस y को कॉमन ले लिया तो यहाँ से 5y बचेगा, 5y बचा और प्लस यहाँ से 2z बचा। अब ये अगर 5y प्लस 2z है तो हमारे पास में 5y प्लस 2z यहाँ से भी आना चाहिए। हम सहूलियत के लिए अगर 5y प्लस 2z पहले से लिखें, अब हम देखें कि क्या कॉमन लिया जाए। एक तो दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस साइन ले लें। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमको 5y चाहिए मतलब 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लें तो 4 इंटू 5y ये हो गया माइनस 20y, माइनस 4 इंटू माइनस 2z मतलब ये है माइनस 8z, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया। अब 4y प्लस 2z यहाँ पे भी, तो यहाँ से 5y प्लस 2z हम कॉमन ले सकते हैं, तो इधर से बचेगा y और इधर से बचेगा माइनस 4, तो ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम देखें लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6
एक्स वाई माइनस 4y, देन प्लस 6 एंड माइनस 9x. ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए भी हमको टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा. अगर देखिए इसमें और इसमें y हम कॉमन लें तो 6x माइनस 4 बचता है, इन दोनों में 6x माइनस 4, या इसमें 2 भी अगर हम कॉमन लें कि 2y कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 3x और यहां से माइनस 2, और इसके अंदर भी हम अगर 3 कॉमन ले लें तो 3x और ये चीज आ सकती है. तो इसको रीअरेंज करने की जगह यहीं पे इसमें और इसमें हम 2 और y ये कॉमन ले लें, तो यहां से 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा और यहां से x बचा क्योंकि y हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, और इसमें से 2y कॉमन लेंगे तो माइनस 2 बचेगा केवल. ठीक है, अब इसमें से हमको 3x माइनस 2 चाहिए, तो ये 3x अगर चाहिए इसमें से, मतलब इसमें माइनस 3 हम कॉमन ले सकते हैं. अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस 3 इंटू प्लस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 9x, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 दिस इज प्लस 6. अब देखिए ये 3x प्लस 2 ये कॉमन लिया जा सकता है, तो 3x प्लस माइनस 2 ये कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 2y और इधर बचेगा माइनस 3. सो दीज विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके,